दे ओके। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत आप लोग के हमारे नया ब्लॉग में। खैर मच्छरदानी लगा के रात को सुतक पड़ा था, मच्छर बहुत काटा था ना सर। ये समय ठंडे भी बाटे गर्मी भी बाटे, रात भर पड़ा था नहीं चार्जिंग लाइट अपन चलते ही बाटे लेकिन बंद कर दी। ठंडा लगा था यार, बाहर के मौसम पर बड़ी खतरनाक फील था। कोहरा गिरल बाटे, कितना अच्छा लगा था ना पंछी बांस खेत में। हरियाली अच्छा लगा था, हरियाली देख के तो मज़ा आ जाला। ये समय सूरज भी नहीं निकलल, सूरज निकले वाला बाना। कोहरा गिरल बा यार ये समय, दिने में इतना गर्मी होता बताओ। अबे हम हाफ टी शर्ट पहन के सुतल रही हैं, मतलब रात के गर्मी भी रहा। ये समय ठंडी बढ़ गई बटे, ठंडा ज़्यादा लगा था, कोट पहने के पड़ी। मौसम तो देखते बड़ा लोग का हाल बा मौसम के। चल जाइए दूसर का घर बटे सामने, मतलब पुराना घर पर, ये नया बनल बटे। तो गाइस कोट पहन ले नहीं, कहे कि उम्मीद ना रहा कितना ठंडा लगी। और ब्रश भी ले ले बनी, अब ब्रश व्रश उसे। गाइस एक चीज़ तो लोग नोटिस के लोग बोलो, जब भी सूत के उठा तो बोलो तो जब सूर्य दिखे ना, मतलब सूत के उठले के बाद जब सूर्य पे निकले वाला रहे ना, ओकरे पहले आसमान में लाली रहेला, ओकर बीच में वाइट रहेला और नीचे हरा रहेला, पता बा तिरंगा बनेला। हम जब सूत के उठनी है ना तो एक चीज़ नोटिस कही नहीं है कि तिरंगा बनत रहला। पक्षी कुल की आवाज़ आए है कितना सुकून मिले। यहाँ चारों तरफ हमारे गांव में ना यही तरह पक्षी की आवाज़ सुनने को मिली। इस जंगल में ना मोर भी बाना सा, मोर के भी आवाज़ कई समय तक उनके सुनने के मिली। गांव के सबसे यूनिक बात ये बात है कि भाई गांव में ना पक्षी की आवाज़ सुबह सुबह सुनने को मिलेगा, और पक्षी की आवाज़ सुनने का ना बहुत अच्छा मीठा स्वाद आवेला, मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे छत्ते पर ना अधिकतम हमारे छत्ते पर यहाँ दाना वाना डाला पक्षी आवेली सर, तो सुबह सुबह उठते ही भाई मज़ा आ जाला। गाइस तो नाश्ता वास्ता हो गए, देखा गाय के गोबर जोन होला वही के ही बनाओ जला कंडा आवे, उधर मोर बोला था। तो नाश्ता वास्ता हो गए और अब दोस्त आवा था पवन, तो जाए जाई पकड़ी और थोड़ा घूमल जाई। और जो सामने दिखा था वो में मतलब छोटा मोटा जंगल आवे, वो में बाना सा मोर, बहुत बढ़िया बढ़िया मोर बाना सा। तो गाइस अब खाना खा लिया जा, खाना बन गया बा मस्त घर वाला खाना, लाजवाब चूल्ही पर बन रहा, चूल्ही पर गैस बनाई बन रहा, बस गैस बहुत कम बनेला। रोटी चावल दाल दही पकौड़ी निमोना दाल, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताई है देखो यहाँ भात बनेला। भात के पहले खूब मतलब भात चावल के भात बनाया जाला, ओकर बाद एक छानल जाला, एक कपड़ा में जितने जलेबी छनाला वही तरह फिर एक सुखावल जाला। सुखैले के बाद ऑयल में छानले के बाद मस्त नमकीन हो जाला भाई, तब एक चाय के साथ है भाई साहब लाजवाब मजा, मतलब बड़ी मजा आवेला। नमकीन जो नोला ना छान के खाई जला वही नमकीन हवे। जल्दी से खाना फिनिश कर जा ओकरे बाद चला जा बाहर। तो गाइस खाना फिनिश हो गई, आप चला जाइए बाहर। और प्रधान जी आज स्कूल गए बना ना, तो प्रधान जी के लेके चलती जाए घूमने खाती बागीचा में। वैसे बागीचा में चले गए कुछ काम बटे, यानी बाँस काटत रहा ना, देखी बस वो काट भाई ना चलता डुबुआ सुतल बा। एडुबू एडुबू उठ बारी में, ओए बारी चल रही भाई तैयार हो गए चले बारी में। हाँ यार मौसम बड़ी अजीब होता, उदास उदास सा मौसम होता, मतलब अच्छा नहीं खेला उतना मज़ा नहीं खिया। बसंत ऋतु में वाकई कितना मज़ा वाला, पर अजीब सा मौसम होता, सूखा सूखा बिल्कुल। बारी में जाए के तो बिल्कुल मन नहीं करता कोई जा उतना दूर, लेकिन चलब जरूर कहें कि खेते में लीलगाई पड़े वाला बाड़ी से, लीलगाई बताओ तुम क्या होला, मतलब घर रोज लीलगाई। अब पता नहीं तो लोग सुनने वाला लोग कि नहीं, लेकिन अभी चलता नहीं उधर ही चढ़ तड़ी सा, अभी हो सकेला खेत में पड़ी सा तो कोई चल जी मारे मारे, मतलब कि भगावे। ओए दे ओके दे ओके कह रहा तड़े।